आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे, मैं आपके साथ हिमानी कंधारी। इस समय हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। हम इनसे जानेंगे कि जम्मू के लिए अब क्या बदलाव का दौर आएगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा जम्मू को या नहीं। सर वेलकम। थैंक यू। जिस तरह से अगर हम बात करें जम्मू वासियों की, तो जम्मू वासी, हर जम्मू वासी के अब दिल में, मन में और जुबान पर एक ही चीज़ है कि स्टेटहुड कब मिलेगा, 370 पर अब आने जो गवर्नमेंट आई है उनका क्या प्रक्रिया रहेंगी, क्या कुछ वो करेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हम समझ सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप भी समझ रही है और हम लोग भी समझ रहे हैं कि लोगों का एक बड़ा उत्साह है, लोगों की बड़ी एक उमंग है, लोगों के बड़े अरमान हैं, लोगों का एक विश्वास है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। और आपने देखा कितना मेरे पास रश था, दुनिया सुबह का मैं जम्मू में आया हूँ, लोग हर जगह एयरपोर्ट से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर तक और शेर कश्मीर भवन तक और उसके बाद ये गांधीनगर डाक बंगले तक लोगों का हजूम थे। और ये लोगों को, ये लोगों का एक भरोसा है मेरी लीडरशिप के, डॉक्टर फारूक साहब के ऊपर और उमर साहब के ऊपर। उनको पता है कि जिस लीडरशिप के नीचे हम चल रहे हैं वो लीडर बड़े ईमानदार हैं और वो लीडर हमेशा जम्मू कश्मीर के भले के लिए रहे हैं और जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में उनका बहुत बड़ा अहम रोल है। चाहे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का देखा जाए, चाहे फारूक साहब का देखा जाए, चाहे उमर साहब आगे चीफ मिनिस्टर रहे, उनका भी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। तो लिहाजा लोगों की उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन हम भी दुआ करते हैं उस रब आगे, उस भगवान आगे, कि वो हमें हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि लोगों की जो उम्मीदें हम पे टिकी हैं और लोगों का जो एक विश्वास हम पे बना है उसको कभी ठेस ना पहुँचे। इसलिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बट चैलेंजेस जो पार करे वही सही खिलाड़ी होता है और हमें उम्मीद है कि हम इन चैलेंजेस को पार करेंगे, इन कठिनाइयों को दूर करेंगे और लोगों का एक, लोगों के लिए एक रास्ता ढूंढेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे, ये उम्मीद लेके हम चल रहे हैं और लोगों को जो हमारे से उम्मीदें जुड़ी हैं उस पर हम खड़े उतरेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की, तो वो भी इस समय दिल्ली हैं और बहुत से लोगों से मिल रहे हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, होम मिनिस्टर से मिले हैं, डिफेंस मिनिस्टर से मिले हैं, तो क्या अब हम सोच सकते हैं कि स्टेटहुड पे भी बात होगी? अब जिस तरह से रेजोल्यूशन तो उन्होंने ओथ लेने के अगले दिन ही पास किया था। देखिए, अब आप यहीं से आप हिसाब लगा सकते हैं कि मेरे लीडर कितने सिंसियर हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्यों अभी जुमा चार दिन नहीं हुए और वो उनको उमर साहब को मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आज दिल्ली चले गए। क्यों चले गए? कि उमर साहब को पता है कि जो ताज कांटों को हमने अपने सिर पे पहना है ये इतना आसान नहीं है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर इन 10 सालों के अंदर डगमगा सा गया है। जम्मू कश्मीर का जहाँ इकानमी वो वीक हुई है, जम्मू कश्मीर में घर घर बच्चा बेरोजगार है, जम्मू की सड़कों का बुरा हाल है, जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर जम्मू के आप स्कूलों में देखें बहुत बुरा हाल है, आप रूरल डेवलपमेंट चले जाएं बुरा हाल है। ये जो पूरे महकमे, चाहे रूरल डेवलपमेंट था उसके अंदर भी करप्शन थी, ये जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट था इसके अंदर भी करप्शन थी, कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देखें, इन डिपार्टमेंटों के अंदर जो ऑफिसर ऊपर चेयर्स पर बैठे थे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया लेकिन लोगों को कुछ नहीं दिया और लोगों से हमेशा दूरियाँ बना के रखी। लेकिन आज जब ये सरकार आज बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब की क्यादत में, जो आज चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, लोगों को एक भरोसा, एक विश्वास हम पे है। और हमने भी जितनी मीटिंग है, हम मिनिस्टर जितने भी हैं जो मैंने अपने डिपार्टमेंट्स की ली, बाकी जो मिनिस्टर हैं, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सीज जी हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम स्कीना इटू जी हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद डार साहब हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब हैं, हम अपनी रिव्यू मीटिंग हमने डिपार्टमेंट्स के ली और सब ऑफिसरों को हमने हदायतें दी कि करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस है इस गवर्नमेंट का, करप्शन भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, जो ऑफिसर करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जो ऑफिसर काम नहीं करेगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी ऑफिसर, अगर हमने ये साफ कह दिया कि फाइलों पे ऊपर कोई नहीं बैठेगा, जो फाइल आएगी उसका डिस्पोजल होना चाहिए, अगर जो ऑफिसर डिस्पोजल नहीं करेगा हम उसकी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बल्कि सस्पेंड करेंगे। ट्रांसफ़र कोई सजा नहीं होती, सस्पेंशन, उसको पता लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए किसी भी ऑफिसर को नहीं बख्शा। जैसे माइनिंग के लिए मैंने साफ कह दिया कि माइनिंग, इलीगल माइनिंग बिल्कुल नहीं चलेगी और जिस DMO के इलाके में या जिस भी ऑफिसर के इलाके में इलीगल माइनिंग चलेगी, इलीगल क्रेशर चलेंगे, इलीगल डंपिंग होगी, जो कुछ भी दरियाओं को खत्म करने की कोशिश करेगा, जो इन्वायरमेंट का जो ब्लॉक बनाते हैं माइनिंग वाले, अगर ब्लॉक बनाने में कहीं वो कोताही करेंगे तो किसी को नहीं हम बख्शेंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार पहले भी थी पर इस समय यूटी है जम्मू कश्मीर, तो क्या कुछ चैलेंजेस आपकी सरकार को रहने वाले हैं? चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, मैंने कहा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों के बीच में गैप आ गया, हमने पहले उस गैप को भरना है। जो एक ट्रस्ट डेफिसिट आया, लोगों को एक विश्वास उड़ गया एडमिनिस्ट्रेशन से,
उस विश्वास को दोबारा से बहाल करना है। और आज जो ये लोगों का जमवाड़ा आपने देखा, ये दिखा रहा है कि लोग एक भरोसे से उनको फिर एक उम्मीद जगह। आप कश्मीर में मैं था, मैं आज सुबह भी कश्मीर से आया हूँ। सेक्रेटेट में इतना रश होता है कि मेरे से कई लोग मिलने आते हैं, उनको बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि मेरे दफ्तर के बाहर लाइनें लगी होती हैं। इसी तरीका बाकी मिनिस्टर जितने उनके दफ्तरों के बाहर भी लाइनें लगती हैं, लगी हुई हैं। ये क्यों लगी हैं? जब ये सरकार ने चुनी गई थी, इन 10 सालों में जो गवर्नर रूल रहा, सेक्रेटेट में कोई नहीं जाता था। बट अब लोग फिर सेक्रेटेट में आना शुरू हो गए हैं और लोगों को उम्मीद है कि इन मिनिस्टरों के पास जाएंगे, हमारा कोई काम होगा। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि चैलेंजेस बहुत हैं, उन चैलेंजेस उन कठिनाइयों को हमने दूर करना है, उन चैलेंजेस को दूर करना है और हम आगे निकलेंगे। तो लिहाजा एक चीज़ ज़रूर कहते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को कि थोड़ा सा वक्त चाहिए, वक्त के साथ साथ आपको बदलाव दिखेगा। आप महसूस करोगे कि हमारी हुई चुनी हुई सरकार है, जिन लोगों को हमने चुना था हमने गलती नहीं की बल्कि हमें उन्होंने फायदा दिया। दरबार मूव पे क्या कहेंगे? दरबार मूव स्टार्ट होगा? दरबार मूव का मैंने सारे चैनलों को कहा और मैंने चैम्बर भी मुझे मिलने आए थे, बार एसोसिएशन के लोग भी मिलने आए थे, अनएम्प्लॉयड यूथ भी एसोसिएशन भी मिलने आई थी, ट्रेड यूनियन लीडर्स भी मुझे यहाँ काफ़ी सारे मिल के गए हैं। मैंने सबको कहा कि आप बेफिक्र हैं, क्योंकि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही मैंने कहा था, उमर साहब से अपने लीडर से रिक्वेस्ट की थी कि जम्मू का दरबार मूव हमें चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू की इकानमी खत्म हो गई है, जम्मू का बिजनेस खत्म हो रहा है, जम्मू की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खत्म हो रही है, जम्मू का होटल इंडस्ट्री खत्म हो रही है, इसलिए काफ़ी चीज़ों का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये दरबार मूव चलाएंगे, लेकिन इस बार नहीं चलेगा क्योंकि अभी टाइम कम है, लेकिन नेक्स्ट जो आप दरबार मूव का टाइम आएगा आप यकीन मानिए कि दरबार मूव पूरा होगा। सर आखिरी सवाल, टेररिज्म पर आप क्या कहेंगे? अभी हाल ही में कश्मीर घाटी में बहुत टेररिस्ट अटैक हुए। देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि उग्रवाद का जहाँ ताल्लुक है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज़्यादा भुगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे ज़्यादा वर्कर मारे गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे ज़्यादा लीडर मारे गए, इसलिए हमने ये जख्म सहे हैं। और हम भी कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में कोई आम शहरी या कोई आम लोग या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जाएं, क्योंकि जब भी किसी घर में ये इन घटनाओं से लोग मरते हैं उन घरों के अंदर एक बड़े दुख और दर्द होता है। तो इसलिए आज कल जो हुआ है बारामूला में हमें बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन जो जिन लोगों ने किया है उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन एक चीज़ है कि हम ये जरूर यकीन दिलाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा कोशिश रहेगी दिल्ली की सरकार के साथ मिलके कि जम्मू कश्मीर में अमन आए, शांति आए। और ये जो घटना कल हुई है, जो लोग मारे गए बेचारे, उनके परिवारों के साथ मैं अफसोस जाहिर करता हूँ और भगवान से ये दुआ करता हूँ कि भगवान उनको इतनी हिम्मत दें कि वो इस गम से बाहर निकल सकें। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने हमें बताया जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव रहने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट सोमदत्त के साथ मैं हिमानी कंधारी।